हे अस्सलाम वालेकुम। हे दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है ना, आइए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये कॉम्बिनेशन वाल्व के बारे में, जो इसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका पार्ट्स सब क्या क्या है और इसका क्या काम होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देख लें, एक कॉम्बिनेशन वाल्व है और ये जो है ना FCU में लगाया जाता है, ठीक है। इसे क्या है, सही है, इसमें क्या है, एक ही जगह पे ये जो है ना एक्चुएटर वाल्व है, ठीक है। और ये जो है ना एक यहाँ पे वाल्व रहता है सेम सेम तरह का, इसमें कलर कोड जो है ना अलग रहेगा। ये बाईपास वाल्व है, ठीक है। और ये जो है ना ये सप्लाई है, ये रिटर्न रहता है, ये सप्लाई वाल्व है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये देख लें, ये स्टेनर, इसको स्टेनर बोलते हैं, ठीक है। ये एक छोटा फिल्टर रहता है, ये भी डर्टी हो जाता है जब पानी उनी जब इधर से पास करता है ना, तो पानी का जो गंदगी रहता है ना वो इसमें आता है, तो ये फ़िल्टर उसको साफ़ करके, स्टेनर का काम ही यही है, बस पानी को फ़िल्टर करना। कोई भी कचरा है तो उसको अपने इसमें ले लेना, तो बाद में हम लोग जब अपनी सर्विस करता है ना तो इधर से कचरा निकल जाता है। तो अगर कभी इसका स्टेनर का जो सर्विस करना रहता है ना, तो ये वाल्व है ना ये अभी क्लोज रहता है, इसको जो है ना ये बाईपास वाल्व को खोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना पानी इधर से जो आ रहा, पानी इधर से ये सप्लाई आता है ना तो इधर से रिटर्न चला जाता है वापस, क्योंकि ये सप्लाई लाइन है और ये वाला रिटर्न है, ठीक है। तो यही काम है बेसिकली, अभी जो है ना FCU में ज़्यादा यूज़ होता है। इसे क्या, ये अच्छा है, अभी एक ही जगह पे आपको सब कुछ रहता है। और ये एक एक्चुएटर है, इसको मोटराइज वाल्व भी बोलते हैं, जो इसमें आपको जो इतना सप्लाई होगा उसी हिसाब से आपको ये ऑटोमेटिक रहता है, BMS से कमांड देते हैं, जो ऑटोमेटिक हिसाब से ये चीलर को दे देता है कमांड कि हमको जो है रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है, तो आप थोड़ा अपने इसको सप्लाई कम कर दो। तो एक्चुएटर वाल्व का यही काम है, ऑटोमेटिक रहता है। और ये जो है ना यहाँ पे ये सप्लाई का एयर पर्ज रहता है, यहाँ पे आप एयर को पर्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये रिटर्न का है। तो यही है, ये कॉम्बिनेशन वाल्व देख लीजिए आप लोग भी, अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।